जूम, इसको देखो। दरगाह सीन निकाला गया नमस्ते लंदन से और आफ्ताब बनेंगे एक पुलिस मैन संजय गुप्ता की फिल्म में। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पेज 3। खास आपके लिए है आज यहाँ सितारों की भीड़, सेलेब्स की बात, दिन भर के इवेंट्स और पार्टीज की रात, फैशन का ग्लैमर सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, सब कुछ होता है पेज 3 पर। मलिका शेरावत की नई फिल्म नया एटीट्यूड, उपेन पटेल की शाकालाका बूम बूम, ब्रांड एम्बेसडर जिया खान, आयशा काकिया का ड्रेसिंग स्टाइल निशा जामवाल के साथ। मलिका शेरावत भले ही गेस्ट अपीयरेंसेस देती नजर आए, लेकिन रहती हैं हमेशा न्यूज में। अब उन्हें मिला है हॉलीवुड जाने का एक और मौका जैकी चैन की द मिथ में फीचर होने के बाद। अब इस फिल्म में उनका रोल बड़ा हो या छोटा, नखरेलू मलिका को तो आसमान पर बैठा ही दिया है। अब तक तो वो सभी को अपना प्राइसी एटीट्यूड दिखा रही थी, लेकिन इस नई फिल्म को हासिल करने के बाद न जाने क्या क्या तेवर दिखाएंगी। आसमान में उड़ने वाली मलिका को भी अनवेल्ड के लिए स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा, और शायद वो ये कदम जरा भी ना उठाती अगर उन्हें ये मालूम ना होता कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइंस को भी इससे गुजरना पड़ता है। And I was thinking, how has the script landed in my lap? What do they want me to do? And at times I was very angry, very nervous. But I just crossed my fingers, prayed to every Haryanvi god I could think of, and I just did the test. But God is Haryanvi, I'm convinced. ऐसा लगता है मानो मलिका बॉलीवुड में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब देखो, वो अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को अपनी हिंदी फिल्मों से ज़्यादा प्रमोट करती हैं, चाहे वो द मिथ हो, उनका कान विजिट या अब अनवेल्ड। बॉलीवुड से मैं बहुत प्यार करती हूँ। आज मैं जहाँ भी खड़ी हूँ, जिस स्थान पर हूँ, वो आप लोगों का, बॉलीवुड का दिया हुआ है। लेकिन हर एक एक्ट्रेस के लिए, हर एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक वर्ल्ड मार्केट में जाके कम्पीट करे। आज पूरा वर्ल्ड ग्लोबल हो रहा है, यू नो, फिल्में बन रही हैं जहाँ पे चाइनीज़ एक्टर्स हैं, स्पैनिश एक्टर्स हैं, मैक्सिकन एक्टर्स हैं, और वो फिल्में लोगों को पसंद आ रही हैं। तो इतना अच्छा मौका ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, जहाँ पे एक इंडियन एक्ट्रेस को चूज किया गया है, व्हाई नॉट शोकेस आवर टैलेंट टू द वर्ल्ड। अगर मलिका शेरावत की फिल्म हो तो उसमें स्किन शोइंग तो होता ही है, लेकिन इस मामले में तो मलिका ने सभी को झुटला दिया है, क्योंकि अनवेल्ड में वो बनी है एक मुस्लिम लड़की, इसलिए बुरखे में नजर आएंगी। ये रोल लेते वक्त मलिका को अपनी सेक्स सिंबल इमेज का ख्याल तो आया ही होगा। आई मिस इट, मैं इसको बहुत मिस करूंगी। सेक्स सिंबल का टैग भले ही मलिका से छिन गया है, लेकिन फिर वो ये सोचकर संतुष्ट भी हैं कि बाकी हीरोइंस उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं। मेरी जगह तो ले ली ऑलरेडी। आप वो फिल्में देखिए, एक्ट्रेसेस जो पोलो नेक पहना करती थी और घुटनों के नीचे की स्कर्ट, आजकल क्या क्या पहन के गाने गा रही हैं और झूम रही हैं। तो आज के जमाने में आई हैव ऑलरेडी बीन डीथ्रोन्ड लॉन्ग अगो। सुनने में आया है कि अनवेल्ड के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय और शिल्पा शेट्टी से बात चल रही थी, लेकिन मलिका मार गई बाती और इसलिए उन्हें गर्व है इस बात का। आई थिंक लेट द बेस्ट विन, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो लेट द बेस्ट सर्वाइव, इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पिछले कुछ समय से मलिका मीडिया से बात तो दूर, उनके सामने भी नहीं आई, लेकिन इस मौके पर उन्होंने अपनी चिकनी चुपी बातों से सबको मना ही लिया। जब मेरी एंट्री बॉलीवुड में हुई तो ऑफ कोर्स प्रेस ने मेरा बहुत साथ दिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्रेस। मैं यहाँ बैठी हूँ सबके सामने, आपको खुला न्योता दिया है कि आपको जो सवाल पूछना है मैं आपके सामने हाजिर हूँ, अपने सारे गिले शिकवे आप दूर कर लीजिए। अगर मैं बोलूँ तो सब कहते हैं बहुत ज़्यादा बोलती है, चुप ही नहीं होती, शी इज़ अ मोटर माउथ। इफ़ आई कम इन देन, इफ आई स्टॉप टॉकिंग टू द मीडिया, देन यू से बात नहीं करती, तो मैं क्या करूँ। अच्छा ही है मलिका, बेहतर होगा कि आप सबसे दोस्ती बनाए ही रखें, और याद रखें कि ज्यादा फिल्में ना करने के बावजूद अगर आप सातवें आसमान पर हैं तो वो है मीडिया की ही बदौलत। रोमा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। उपेन पटेल ने खुद कभी गली क्रिकेट खेला है या नहीं ये तो नहीं मालूम, मगर इसके प्लेयर्स को बढ़ावा देने में वो पीछे नहीं। वर्ल्ड कप के बुखार में थोड़ा इजाफा हुआ जब उपेन आए गली क्रिकेट के कुछ विजेताओं से मिलने।
उपेन पटेल का फिल्म नमस्ते लंदन में रोल कटा है या नहीं, ये तो अभी भी पर्दे के पीछे है। लेकिन उपेन अपनी नाराजगी को जता नहीं पा रहे हैं, पर उनकी हरकतों से ये साफ नजर आ रहा है। जहां एक ही दिन पर नमस्ते लंदन की स्टार कास्ट कर रही थी अपनी फिल्म को प्रमोट, वहीं उपेन वहां से थे गायब और पहुंचे गली क्रिकेट विनर को ट्रॉफी देने। I'm here because of Shakalaka Boom Boom, Radio Mirchi is tied up, so I'm here part of the film promotion and I think we're giving the winners away some CDs, so I'm just here to present them the CDs. उपेन की इस डिप्लोमेसी से एक बात साफ है कि उन्हें कुछ तो बुरा लगा है नमस्ते लंदन को लेकर, लेकिन जब बात आए अक्षय कुमार और बॉबी डियोल में से बेस्ट को स्टार चुनने की, तो उपेन देते हैं पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स। Both fantastic co-stars, fantastic people, great actors, so दोनों। नमस्ते लंदन के डायरेक्टर विपुल शाह इस पूरी कंट्रोवर्सी का दोष देते हैं उपेन की बैड पीआर मैनेजमेंट को, और उपेन है कि इस बात को टालते ही जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू। उपेन पटेल से पहले अफवाह थी कि अक्षय ने सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम और गोविंदा के भी रोल कटवाए हैं, मगर इन सब ने जबान खोलने के बजाय अक्षय से दोस्ती बनाए रखने में ही खैरियत समझी, और लगता है वही सबक उपेन भी सीख रहे हैं। मेघना जोशी, जूम, मुंबई। जिया खान बनी एम्बेसडर एक हैंडबैग ब्रांड की। अपनी पहली ही फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम करके उन्हें ये फायदा हुआ है कि फिल्म भले ही पिट गई हो, जिया की ब्रांड वैल्यू है बरकरार। जिया है निशब्द के रिव्यू से खुश। चाहे बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जो भी हाल हुआ हो, इंडस्ट्री में तो जिया के पांव जमते नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है और आई डोंट थिंक मैं कभी भूलूंगी ये एक्सपीरियंस। इट इज़ अ बोल्ड टॉपिक, लेकिन मेरे ख्याल से जो रिव्यूज आई हैं और जो एक्सेप्टेंस हुआ है इन द इंटेलेक्चुअल एंड मैच्योर ऑडियंस इज व्हाट वी वांटेड इन द बिगिनिंग। सर, उधर दीपिका पादुकोण अपने से उतनी ज्यादा बड़े उम्र के हीरो के साथ तो नहीं आ रही, मगर शाहरुख के साथ लॉन्च होने वाले 21 साल की दीपिका कुछ हद तक जिया की ही नाव में सवार है। कमर्शियल फिल्म ओम शांति ओम में उनके रोल इतने बोल्ड और कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं, मगर दीपिका है खुश। It's been a great experience so far. He's been extremely helpful and I mean I didn't think that he would make it so easy for me. एक सुपरस्टार के साथ डेब्यू करना हो सकता है काफी फायदेमंद। जिया और दीपिका आई हैंडबैग्स को प्रमोट करने। जिया हैंडबैग से इतनी ऑब्सेस्ड हैं कि उनके पास है हैंडबैग्स के करीब 60 पेयर्स। मेरा जो ऑब्सेशन है बैग से, मेरे ख्याल से जब मैं 6 साल की थी तब से शुरू हुआ। I love bags. The bigger the bag, the better. Bags are very important and बहुत लोग bags carry करते हैं and I think it just enhances you know whatever the person wears, it just enhances the entire outfit. जिया और दीपिका का bags के साथ obsession तक तो ठीक है, पर अगर ये obsession हो गया superstars के साथ काम करने का, तो ये हो सकता है खतरे का symbol young stars के लिए। सौम्या चंदेल, Zoom, Delhi. कोंकणा सेन शर्मा ने हाथ धो लिए हैं मॉम अपर्णा सेन की फिल्म से। चर्चा है कि उन्होंने इस फिल्म के बजाय चुनी है तो यशराज फिल्म्स, और ऐसे में उनका रोल गया है रायमा सेन के हाथ। वैसे अपर्णा सेन कहती हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो बेहद खुश हैं अपनी बेटी की दूसरी फिल्मों से। उनकी फिल्म की शूटिंग रिहर्सल्स भी होती है कोंकणा के घर ही, और तो और कोंकणा और रायमा है बेस्ट फ्रेंड्स भी। इसे कहते हैं माँ बेटी की परफेक्ट जोड़ी।